अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने कंकैटिनेशन ऑफ टू एफ़ देखा था। आज हम देखेंगे कि किसी एफ़ का हम किस तरह से क्लोजर ले सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बेसिकली क्लेन्स थ्योरम का पार्ट 3 है जिसके अंदर हम क्लोजर करते हैं किसी भी एफ़ का। जो एफ़ होता है उसका क्लोजर हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आर का स्टैटिक। ठीक है, आर क्या कोई भी हमारा एक एफ़ है, जिस तरह हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन था। तो रेगुलर एक्सप्रेशन में किसी भी लैंग्वेज में या सिंपल कोई एक्सप्रेशन होता था उसके ऊपर हम स्टार लगा लेते थे, तो उसका क्या होता था, वो हमने कर देते थे क्लोजर कर देते थे। इसी तरह हमारे पास जो एफ़ होता है उसको अगर हमने आर से रिप्रेजेंट किया होता है तो आर के ऊपर स्टैटिक लगा देंगे तो वो क्या होगा, वो एफ़ का क्लोजर बन जाएगा। तो इसे देख लेते हैं कि होगा किस तरह से। यहाँ पे कह रहे हैं क्लोजर ऑफ एन एफ़ इज़ सेम एज कंकैटिनेशन ऑफ एन एफ़ ए, मतलब कि जिस तरह से हम कंकैटिनेशन करते थे कि टू एफ एस का, सेम उसी तरह हमारे पास जो क्लोजर है वो भी किसी भी एफ़ ए का उसी तरह से होगा। मतलब कि जो हमारे पास एफ़ ए है, क्लोजर ऑफ एन एफ़ ए सेम एज इट इज़ जिस तरह से हमने कंकैटिनेशन किया था उसी तरह करेंगे, लेकिन इसमें डिफरेंस ये आएगा कि हमारे पास जो कंकैटिनेशन था वो हमने टू एफ एस किया था, लेकिन जो क्लोजर है वो सिंपल एक एफ़ ए का होगा अपने उसके साथ ही। ठीक है, एफ़ ए विद इट सेल्फ, एक एफ़ ए है उसके साथ ही हम उसका कंकैटिनेशन कर देंगे। एक एफ़ ए का इट सेल्फ के साथ उसका कंकैटिनेशन जो हो जाएगा उसको हम क्लोजर का नाम दे देते हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास कंकैटिनेशन में ये होता था कि एफ ए वन की इनिशियल स्टेट होती थी और एफ ए टू की फाइनल स्टेट होती थी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि एफ ए जो होगा, एक ही एफ ए होगा ना, उसी की फाइनल स्टेट होगी और उसी की स्टार्टिंग स्टेट होगी। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास ये रेगुलर एक्सप्रेशन है एंडिंग विद बी। ठीक है, एक ऐसी लैंग्वेज जिसके एंड पे बी आता हो, हमने उसका ये रेगुलर एक्सप्रेशन है उसको क्या किया, हमने एक एफ़ ए के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, ये उसका एफ़ ए बना लिया। अब हम क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए हम इसी एफ़ ए को टू टाइम्स लिख लेते हैं, जिस तरह हमने ये किया, ये एफ़ ए वन और ये एफ़ ए टू। वैसे ये है सेम एक ही एफ़ ए है, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए ताकि हम इसको ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाएँ तो हमने क्या किया, इनको अलग अलग दो एफ़ ए बना के लिख दिया। स्टेट हमारे पास सेम है, लेबल सेम है, किसी को चेंज नहीं करना, बस क्या करना है, सेम एज इट इज़ जो हमारा एफ़ ए है उसी को एक बार मतलब सेकंड टाइम लिख लेना, ताकि हमारी जो जब हम इसको कनकैट कर रहे होंगे तो हमारी जो पिछला कनकैटिनेशन का हमारा कॉन्सेप्ट था वही यहाँ पर रिपीट हो जाए और कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या करना है, हमने सबसे पहले स्टार्टिंग स्टेट ले लेनी है जो कि हमारी एक्स वन है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ गौर कीजिएगा, कंकैटिनेशन में हमने क्या किया था, हमने स्टार्टिंग स्टेट तो ले ली थी। ठीक है, जो एफ ए वन की थी वो स्टार्टिंग स्टेट ले ली थी, लेकिन यहाँ पे जब हम क्लोजर करते हैं तो क्लोजर कहता है कि जो आपने स्टार्टिंग स्टेट लेनी है वही फाइनल स्टेट होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक्स वन हमने स्टार्टिंग स्टेट ली और इसी को हमने क्या करना है, फाइनल स्टेट भी करना है, और एक्स वन हमने क्या कर दिया, जी वन इसको नेम दे दिया। तो हमने क्या किया, हमने जी वन इसको नेम दे दिया और एक्स वन को क्या किया, स्टार्टिंग और फाइनल स्टेट का दे दिया निशान, मतलब प्लस एंड माइनस लगा दिया। तो इससे पता चल गया कि एक्स वन क्या है, यह स्टार्टिंग स्टेट भी है और फाइनल स्टेट भी है। अब स्टार्टिंग स्टेट हमारे पास सिर्फ एक होती है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट टाइम मतलब सेकेंड टाइम अगर एक्स वन आता है, ठीक है, कहीं भी अगर आ जाता है, तो हम उसको न्यू स्टेट का नाम देंगे। इसलिए देंगे क्योंकि हमारे पास जो एक्स वन है वो, उसको हमने जी वन नाम दे दिया, तो वो तो स्टार्टिंग स्टेट होगी। अब फ़र्ज़ करो आगे चल के एक्स वन रिपीट हो जाता है, दोबारा से आ जाता है, तो हम वहाँ पे जी वन नाम नहीं देंगे क्योंकि स्टार्टिंग स्टेट हमारी हमेशा एक ही होती है। तो अब हम क्या करते हैं, एक्स वन से ए और बी लेटर रीड करते हैं। सबसे पहले एक्स वन से अगर हम ए लेटर रीड करते हैं तो ये देखें एक्स वन पे क्या लगा है, ए का लूप लगा हुआ है। तो हमारे पास एक्स वन दोबारा से रिपीट हो गई, तो एक्स वन अब अगेन आ गई है, लेकिन हमने इसको क्या करना है, हमने इसको स्टार्टिंग स्टेट नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि दो रास्ते नहीं हो सकते, मतलब स्टार्टिंग स्टेट टू नहीं हो सकती। तो हमने क्या किया, हमने इसको न्यू नेम दे दिया जी टू। ठीक है, अब हमने एक्स वन से बी रीड करना है, तो एक्स वन से अगर हम बी रीड करते हैं, ये बी रीड करके हम एक्स टू पे चले जाते हैं। अब एक्स टू पे जब जाते हैं तो कंकैटिनेशन का आप कॉन्सेप्ट दोबारा से याद करें, तो उसमें क्या था, हम जब एफ़ ए वन की फाइनल स्टेट जहाँ पे लगाते थे वहाँ पे एफ़ ए टू की स्टार्टिंग स्टेट भी लगानी होती थी। तो इससे पता चल गया हमारे पास जहाँ पर एक्स टू आएगा वहाँ पर एक्स वन ने भी आना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्स टू लगाया और इसके साथ साथ एक्स वन भी लगा लिया, और ये हमारे पास एक न्यू स्टेट आ गई जिसको हमने Z3 का नाम दे दिया। अब हम X2 और Z3 इन दोनों को देखते हैं।
पहले सबसे हमारी जो Z2 आई है, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं और इसको साथ नॉन फाइनल भी लिख लें ताकि आपको याद रहे कि ये फाइनल स्टेट नहीं है, ठीक है। अब क्या करो, अब X2 से A और B लेटर को रीड करते हैं। तो X2 से अगर हम सॉरी X1 से अगर हम A लेटर को रीड करते हैं तो X1 पे रहेंगे, जैसे कि हमने देख लिया कि X1 के ऊपर A का लूप लगा हुआ है। और इसी तरह अगर X1 से B लेटर रीड करते हैं तो X2 एंड X1 आएगा, ठीक है, क्योंकि सेम एज इट इज़ ना, जो हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर भी हमने X1 से A और B रीड कर रहे हैं ना, तो जो स्टेट यहाँ पर बनेगी, जो दोबारा से हम करेंगे X1 को, मतलब पहले हमने फाइनल स्टेट ले ली ना कि X1 जो थी वो फाइनल स्टेट थी, सेकेंड टाइम हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि X1 जो है ये नॉन फाइनल स्टेट है और उसको हमने Z2 का नाम दिया था। तो Z2 से हमारे पास जो स्टेट है वो X1 ही है। तो X1 से अगर A रीड करते हैं तो X1 पे चले जाते हैं, तो X1 हमने ऑलरेडी देख लिया जिसका नाम हमने Z2 दिया हुआ है, तो हमने Z2 दे दिया। इसी तरह अगर X1 से अगर हम B लेटर रीड करते हैं तो X2 आएगा, और X2 क्या है, हमारी फाइनल स्टेट है, तो फाइनल स्टेट के साथ हमने X1 भी लगाना है, तो हमने X2 के साथ X1 लगा दिया। अब ये हमारे पास क्या Z3 है, कैसे है, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी नाम दे चुके हैं इसको Z3 का। अब हम Z3 को देख लेते हैं, Z3 को यहाँ पे लिख के हमने क्या किया, X2 एंड X1। अब X2 से और X1 से हम A लेटर रीड देखते हैं बड़ी बड़ी, पहले के देखते हैं हम X1 से A लेटर रीड सॉरी X2 से A लेटर रीड करते हैं। तो X2 ये हमारी जो है X2 से A लेटर रीड करते हैं तो हम कहाँ आ जाते हैं, X1 पे आ जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे X1 लगा दिया। अब हम X1 से A लेटर रीड करते हैं तो वो क्या, X1 के ऊपर A का लूप लगा हुआ है, जैसे कि ये देख लें X1 पे A का लूप लगा हुआ है। तो हमारे पास X1 तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा जा चुका है। अब जब X1 एक बार आ गया तो हमने इसको 2 टाइम्स नहीं लिखना, दोबारा नहीं लिखना। तो X1 एक बार ही आएगा, तो X1 को ऑलरेडी हमने नाम दिया हुआ है Z2 का। X2 और X1 मतलब Z3 से हमने A लेटर रीड कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमने B लेटर देखना है। तो X2 से अगर हम B लेटर रीड करते हैं, ठीक है, तो X2 के ऊपर क्या, B का लूप लगा हुआ है। तो जहाँ पर X2 पे B का लूप लगा हुआ है, X2 के साथ हमने देख लिया कि X1 में B लगाएंगे, तो हमने क्या किया, X2 के साथ X1 लगाने, मतलब X2 से हमने B लेटर रीड करना है ना, तो X2 से B लेटर रीड किया तो X2 तो आएगा और X2 के साथ साथ X1 भी आ जाएगा। हमने X2 एंड X1 लिख दिया। अब ये जो X1 है हमारी स्टेट, इससे क्या करना है, B लेटर रीड करना है। तो X1 से अगर हम B लेटर रीड करते हैं तो देखते हैं, X1 से हमने B लेटर रीड किया तो हम जा रहे हैं X2 के ऊपर, ठीक है। X1 से B लेटर रीड करके हम X2 पे जा रहे हैं, तो X2 तो ऑलरेडी हम यहाँ पे लिख चुके हैं, ये देखें X2 को लिख लिया, तो इसलिए हम दोबारा से X2 को नहीं लिखेंगे। तो हमने क्या किया, हमने Z1, Z2 एंड Z3 टोटल यहाँ पे स्टेट जो हमारे पास बनी है वो Z3 तक ही बनी है, और हमने Z3 तक ही हमने क्या किया, हमने ओल्ड स्टेट में रखे इन सबको विज़िट कर लिया। तो हमारा ट्रांजिशन टेबल कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, सिर्फ हमारी जो फाइनल स्टेट्स हैं उनको देख लेना है। तो Z3 हमारी फाइनल स्टेट है, ये किस तरह से बनी, ये ऐसे बनी कि हमने यहाँ पर देखा हमारा जो X2 है, ठीक है, X2 हमारे पास क्या फाइनल स्टेट है। तो जहाँ जहाँ पे X2 आएगा वो सारी स्टेट्स फाइनल हो जाएंगी, ठीक है। X1 जो हमने ये तो चीज़ पहले डिस्कस कर ली कि ये जो स्टार्टिंग स्टेट होगी यही एंडिंग स्टेट होगी, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास जहाँ पे X2 भी आएगा वो भी फाइनल स्टेट होगी। तो हमारे पास यहाँ पे एक तो Z3 में फाइनल स्टेट आ रही है, Z2 में नहीं आ रही, ठीक है, Z3 में X2 आ रहा है और किसी में भी X2 नहीं आ रहा, तो हमने क्या किया, सिर्फ Z3 को फाइनल स्टेट बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी ट्रांजिशन को देखते हुए अपना FA ड्रा कर लेंगे। तो चलें FA ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले स्टेट है Z1। Z1 हमारे पास प्लस एंड माइनस, क्योंकि Z1 जो है हमारी स्टार्टिंग स्टेट भी है और एंडिंग स्टेट भी है। अब Z1 से A लेटर एंड B लेटर रीड करके देखते हैं, तो वहाँ पे ट्रांजिशन टेबल में अगर हम A लेटर रीड करते हैं तो Z2 पे चले जाते हैं, और B लेटर रीड करते हैं तो Z3 पे चले जाते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे A लेटर रीड करके यहाँ पे Z3 पे चले गए, और इसी तरह A लेटर रीड करके हम Z2 पे गए और B लेटर रीड करके हम Z3 पे गए, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे B लेटर रीड करके हम Z3 पे जा रहे हैं। Z1 स्टेट जो होगी थी, अब हम देखते हैं Z2 स्टेट में हमने क्या करना है, A और B लेटर को रीड करना है। तो Z2 में अगर हम A लेटर रीड करते हैं तो Z2 पे ही रहते हैं, तो इसका मतलब है हमने Z2 पे A का लूप लगा देना है, और इसी तरह Z2 से अगर हम B लेटर रीड करते हैं तो Z3 पे चले जाते हैं।
तो हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर हमने जी टू पे क्या किया, ए का लूप लगा दिया, और हमने बी लेटर रीड करके क्या करे, हम जी थ्री पे चले गए। अब हमारी जी वन एंड जी टू दोनों स्टेट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, जी थ्री रह गई। तो जी थ्री से अगर हम ए लेटर रीड करते हैं तो जी टू पे चले जाते हैं, और अगर बी लेटर रीड करते हैं तो जी थ्री पे ही रहते हैं। तो हमने क्या करना है, जी थ्री पे बी का लूप लगा देना है और ए लेटर रीड करते हुए जी टू पे चले जाना है। तो जी थ्री पे हमने कि ये देखें बी का लूप लगा लिया, और इसी तरह जी थ्री से हमने ए लेटर रीड करते हुए जी टू पे चले गए, और इसके साथ साथ क्या किया, जी थ्री हमारी फाइनल स्टेट है तो वहाँ पे प्लस लगा दिया कि ये हमारी फाइनल स्टेट है। तो ये हमारा कंप्लीट एफ ए बन चुका है, जो कि क्लोयर ऑफ एफ ए है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक कंप्लीट हमारे पास जो कोई भी एफ ए गिवन हो हम उसका क्लोयर ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें एग्जैक्टली डबल ए आता हो, मतलब डबल कंजेक्टिव डबल ए। तो ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है और उसका ये एफ ए बना हुआ है, नीचे इसकी कंप्लीट एग्जांपल इसको सॉल्व किया हुआ है, तो मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये एग्जांपल आप खुद समझें, खुद समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, तो अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट ये एग्जांपल है, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारा ये एफ ए है, इसको भी देखते हैं हम। पहले हमने क्या किया था, पहले हमने ए की सेम एफ ए को टू टाइम्स लिख लिया था ताकि हम ना ईजिली इसको अंडरस्टैंड कर पाएँ, लेकिन इस बार हमने लिख रहे, तो इसको ऐसे ही हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने लेना है वाई वन, ठीक है, स्टार्टिंग स्टेट हमारी वाई वन है तो इसको हमने एंडिंग स्टेट भी कह देना है। तो यहाँ पे हमने वाई वन ले लिया और इसको हमने जी वन का नेम दे दिया। वाई वन से अगर हम ए रीड करते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, वाई टू पे चले जाते हैं। इसी तरह वाई वन से अगर हम बी लेटर रीड करते हैं तो भी वाई टू पे जाते हैं। तो हमने क्या किया, हमने वाई वन से अगर ए लेटर रीड करते हैं तो वाई टू पे जाते हैं, तो वाई टू हमारे पास न्यू स्टेट आ गई, तो हमने इसको नेम दे दिया जी टू का। इसी तरह अगर बी लेटर रीड करते हैं वाई वन से तो भी हम क्या करें, वाई टू पे जा रहे हैं, तो सेम हमारे पास जी टू ही आ जाएगा क्योंकि वाई टू को ऑलरेडी हमने जी टू का नेम दे दिया हुआ है। नेक्स्ट अब हमने जी टू को सॉल्व करना है, तो जी टू, ठीक है, जी टू में हमारे पास स्टेट कौन सी है, वाई टू। वाई टू से अगर ए रीड करते हैं तो आए चलते हैं, वाई टू से ए रीड करते हुए हम कहाँ जा रहे हैं, वाई फोर पे जा रहे हैं, ठीक है, जो कि नॉन फाइनल स्टेट है। तो हमने वाई टू से ए लेटर रीड करके वाई फोर पे जा रहे हैं, तो वाई फोर हमारे पास एक न्यू स्टेट है, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको जी थ्री का नाम दे दिया। इसी तरह वाई टू से अगर बी लेटर रीड करते हैं तो वाई टू से बी लेटर रीड करते हुए हम वाई थ्री पे जाते हैं, तो वाई थ्री हमारी फाइनल स्टेट है। तो जैसे ही हमारी फाइनल स्टेट आएगी उसको फर्स्ट स्टेट के साथ जोड़ने के लिए क्या होगा, हमारे पास वाई थ्री के साथ हम वाई वन लिखेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि क्लोयर तो बेसिकली हमारे पास एक लूप ही होता है ना, एक लूप चल रहा होता है, तो लूप तब भी चलेगा जब हम एंड वाली स्टेट को स्टार्टिंग स्टेट के साथ मिला देंगे, तो वो कंप्लीट एक लूप बन जाएगा, ठीक है। तो ये लूप लगाने के लिए बेसिकली हम वाई थ्री इसीलिए लगा रहे थे, वाई थ्री के साथ वाई वन मतलब एंडिंग स्टेट के साथ स्टार्टिंग स्टेट इसीलिए लगा रहे थे कि कंप्लीट एक लूप बन जाए तो वो क्लोयर चलता जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जहाँ पे y3 आया हमारे पास उसके साथ हमने y1 लगाना है, तो हमने यहाँ पे y3 के साथ y1 लगा दिया, और ये हमारे पास एक न्यू स्टेट आ गई जिसको हमने z4 का नाम दे दिया। अब z1 एंड z2 इसको विज़िट कर चुके हैं, अब हम z3 को करते हैं विज़िट। z3 पे हमारे पास स्टेट कौन सी है, y4। तो y4 हमारे पास नॉन फाइनल स्टेट है, और इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास a और b का लूप लगा हुआ है y4 के ऊपर ही, इसको नॉन फाइनल स्टेट भी कहते हैं और डेड स्टेट भी कहते हैं। तो डेड स्टेट है हमारे पास वाई फोर जहाँ पे ए और बी का लूप लगा हुआ है, तो हमने यहाँ पे देख लें वाई फोर से अगर हम ए लेटर रीड करते हैं तो वाई फोर पे ही रहते हैं, और बी लेटर रीड करते हैं तो भी वाई फोर पे ही रहते हैं। तो हमारी वाई फोर कौन सी है, वो जी थ्री है, तो हमने इनको जी थ्री जो नाम दिया हुआ वही लिख लिया। अब जी थ्री भी विजिट हो, अब हम जी फोर को विजिट कर लेते हैं। तो जी फोर पे हमारे पास जो स्टेट है वो वाई थ्री एंड वाई वन है, तो y3 से सबसे पहले a रीड करते हैं, तो y3 से a रीड करते हैं तो हमारे पास y3 के ऊपर a का लूप लगा हुआ है। तो हमने क्या करना है, जहाँ पे हमारे पास a का लूप लगा हुआ है तो y3 के पे a y3 ही आएगा, y3 से जब हम a रीड करेंगे तो y3 आएगा, y3 के साथ साथ हमारे पास y1 भी आएगी, क्योंकि जहाँ पर y3 आनी है या फाइनल स्टेट आनी है वहाँ पे हमने स्टार्टिंग स्टेट भी लगानी है। तो y3 के साथ हमने y1 लगा दिया, इसी तरह y4 से अगर हम y1 से y3 को कर लिया, अब y1 से अगर हम a रीड करते हैं तो y1 से a रीड करते हैं तो हम जाते हैं y2 पे, ये a रीड किया और हम यहाँ पे y2 पे आ गए, तो हमने यहाँ पे y2 लिख दिया, ठीक है।
इसी तरह अगर हम जी फोर्थ स्टेट के मतलब वाई थ्री एंड वाई वन से बी रीड करते हैं, तो वाई थ्री से अगर बी रीड करते हैं तो वाई थ्री पे ए बी का लूप लगा हुआ था, तो जब वहाँ से बी का भी लूप लगा हुआ है तो हमारे पास वाई थ्री पे से बी रीड करते हुए वाई थ्री पे ही रहेंगे, तो वो फाइनल स्टेट है, तो फाइनल स्टेट के साथ साथ हम स्टार्टिंग स्टेट लगा देंगे, तो वाई थ्री एंड वाई वन लिखा जाएगा। और इसी तरह वाई वन से अगर हम ए या बी रीड करते हैं तो वाई टू पे जाते हैं, तो ये वाई टू सेम वही स्टेट जो कि जी फाइव हमने अभी बनाई, तो ये जी फाइव हो गई। अब हम जी फाइव को ले लेते हैं, इसको विजिट करते हैं। वाई थ्री से अगर हम ए रीड करते हैं तो वाई थ्री पे ए का लूप लगा हुआ है, तो हमने वाई थ्री के साथ साथ वाई वन भी लगा देने, तो वाई थ्री वाई वन आ गया। सेम इसी तरह अगर हम वाई वन से ए रीड करते हैं तो वाई टू पे जाते हैं, तो वाई वन से ए रीड करते हुए हम वाई टू पे आ गए, तो हमने वाई टू लिख दिया। और वाई टू से अगर हम ए रीड करते हैं तो वाई फोर पे जाते हैं, जो कि नॉन फाइनल स्टेट है, डेड स्टेट है जो हमारी ये वाई टू है। यहाँ से ए रीड करते हुए हम वाई फोर पे आते हैं, वाई फोर हमारे पास डेड स्टेट है, नॉन फाइनल स्टेट है, तो हमने वाई फोर लिख दिया। तो ये हमारे पास एक न्यू स्टेट आ जाएगी जो कि जी सिक्स है, हमने जी सिक्स नाम दे दिया। और इसी तरह हमने जी फाइव से बी को रीड करते हुए हमारे पास ये स्टेट्स बनेंगी, और इसको हमने नाम दे दिया जी फाइव का। अब हम जी सिक्स को ले लेते हैं, जी सिक्स को लेके हमने जी सिक्स में जो जो हमारी मतलब वाई वन और वाई थ्री वाई वन वाई टू एंड वाई फोर, तो हमने जी सिक्स की जो स्टेट्स हैं वो यहाँ पे ओल्ड स्टेट में जी सिक्स को रख लिया, और इसकी जो स्टेट्स हैं इनको अब विजिट करना है। तो वाई थ्री वाई वन वाई टू एंड वाई फोर, इनसे हमने ए और बी लेटर रीड करना है, तो हम सेम यही स्टेट बन रही हैं, तो हमने ये किया कि इनको जी सिक्स का नाम दे दिया। ये मैं इसलिए जल्दी कर रहा हूँ कि ये आपको अच्छे से बता दिया तो आप ये खुद ही अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो वीडियो मतलब ज़्यादा लेंथी हो रही है इसलिए मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। तो उससे हमने क्या किया, हमने ये ट्रांजिशन टेबल से आगे किस तरह एफ ए ड्रा करना है ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली, तो इसलिए मैं इसको भी डिस्कस नहीं कर रहा। तो इस तरह से हमारा ये क्लोयर ऑफ एन एफ हो जाता है, ठीक है। तो अब अभी भी अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो आप फील फ्री कमेंट में अपना क्वेश्चन बता सकते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।